गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों? अगर एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसके मोशन को हम कहते हैं द मोशन इज सर्कुलर। डेफिनेशन कहेंगे तो When a body moves in a circular path, it is said to be in a circular motion. Example क्या हो सकते हैं? आपने घड़ी की सुइयाँ देखी होंगी, जो सुइयों वाली घड़ी होती है, जो डिजिटल क्लॉक है वो नहीं, तो उसकी घड़ी की सुइयाँ जो हैं तो वो एक सेंटर में एक पॉइंट के आसपास बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस को मेंटेन करके चक्कर लगाती हैं। एंड दिस टाइप ऑफ द मोशन इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन भी दो तरह का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? आपने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा होगा। अब तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज सेट टू बी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब कहने का हो गया कि अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म रहती है, एक जैसी स्पीड रहेगी उसकी सर्कुलर मोशन में वो गोल गोल घूमते हुए, तो हम कहेंगे कि द बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल इसका मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपने जो वॉल क्लॉक कहीं देखी होगी कि जिसकी सुइयाँ एक जैसे मोशन में चल रही हैं, सेकंड वाली सुई जिसकी एक ही एक जैसी स्पीड में चल रही है, अदरवाइज आमतौर पर क्या होता है कि इसकी सुई जो होती है वो झटके के साथ चलती है, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसी घड़ियाँ होती हैं जिनमें सेकंड वाली सुई जो है वो झटका मारे बिना बिल्कुल एक ही स्पीड से चलती रहती है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलती रहती है, उसके मोशन को हम कहेंगे कि दैट सेकंड हैंड ऑफ दैट क्लॉक इज मूविंग विद ए सर्कुलर विद ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जांपल आ गया। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा? सपोज कर लो ये हमारी एक थी घड़ी और इसके बीच में ये थी सुई लगी हुई, और ये सुई जो है रेडियस आर के द्वारा, आर इसका रेडियस है कि ये बिल्कुल सेम ही रहता है, तो ये एक हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रही है। उसका मतलब क्या हो गया कि इसकी स्पीड एक जैसी रहेगी पूरे इस चक्कर पर, इस चक्कर में जहाँ भी चलेगी तो इसकी स्पीड एक जैसी रहेगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी बदलती रहेगी। क्यों? वेलोसिटी इसलिए बदलती रहेगी कि क्योंकि इसमें डायरेक्शन हर एक क्षण के बाद बदलती रहनी है। आफ्टर एवरी मोमेंट इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। सो हम कहेंगे कि इसकी स्पीड तो यूनिफॉर्म है बट इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, और अगर जो चेंज इन वेलोसिटी होगा तो वो क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, और वो होगा सर्कुलर एक्सेलरेशन। उसकी बात हम आगे जा करके करेंगे। तो जब आपके साथ हमने बात की कि डायरेक्शन इसकी चेंज होती है हर जगह पे, तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती रहेगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसकी डायरेक्शन जो है एक वेलोसिटी की किसी एक मोमेंट पे वो किधर होगी, तो वो क्या होगी? अगर सपोज कर लो इस पॉइंट पे हमको वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है और ये ऐसे घूमता हुआ आ रहा है, तो इस जगह पे अगर हम टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं तो दिस डायरेक्शन विल बी, इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। अगर मैं इसको पी पॉइंट अगर मैं मान लूँ तो एट पॉइंट पी दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। सो अब हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अब जैसे लीनियर डिस्टेंस होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, इस सर्कुलर मोशन के साथ हम लीनियर एस्पेक्ट इसका कंपेयर करते चलेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप सपोज कर लो जैसे ये हमारा रेडियस वेक्टर था, इसने यहाँ पी से लेकर के ये क्यू तक कर गया, तो ये एंगल इसने कितना बनाया, ये एंगल, इट इज कॉल्ड एज इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, डेफिनेशन कैसे कहेंगे इसकी, कि इट इज डिफाइंड एज द एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इन ए गिवन टाइम। एक टाइम में वो कितना एंगल यहाँ पर ट्रेस करता है। सपोज एक पार्टिकल पी से क्यू तक मूव करता है इन टाइम टी, और वहां पर और यहां पर वो एंगल बनाता है थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होती है, जिसको हम थीटा कहते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू, थीटा किसके बराबर आ जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क और डिवाइडेड बाय द रेडियस वेक्टर। यह आएगा लेंथ ऑफ आर्क और डिवाइडेड बाय रेडियस। अब यहां पर लेंथ ऑफ आर्क आगे हमारी पी क्यू, तो थीटा इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय आर, और अगर ये पी क्यू की लेंथ जो है तो वो एल है, तो ये आ गया एल डिवाइडेड बाय आर, थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर। ये आपने कहीं आई थिंक टेंथ में शायद आपने पढ़ा भी होगा। एनी हो, आज हम दोबारा इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो सो अब हम थोड़ा सा एंगुलर वेलोसिटी भी पढ़ लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। और इसको लिखा किसके साथ जाता है, इट इज रिटन बाय द लेटर दिस मच। आपने देखा भी होगा कहीं ये W से मिलता जुलता है, बट इट इज नॉट W, इट इज द W ऑफ ऑफ द ग्रीक स्क्रिप्ट ग्रीक लैंग्वेज एंड इट इज स्पेल्ड एज ओमेगा OMEGA। अगर हम अपने भाषा की बात करें तो इसको ऐसे हम कहेंगे, ओमेगा की तरह कहेंगे। और अगर डी थीटा एंगल है, जो बड़ा छोटा सारा एंगल है, विच इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन टाइम dt, एंड देन ओमेगा दैट इज द वेलोसिटी, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी, इट इज गिवन बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी थीटा बटे dt। ये हो जाएगा जी एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी है तो चूंकि वेलोसिटी है तो इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ये होगा रेडियंस पर सेकंड, ये होगा रेडियंस पर सेकंड नंबर दो। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा m0l0t-1। बस यही चीज, इसकी दो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, तो आपने जब लीनियर मोशन किया होगा उस समय भी हमने टाइम पीरियड पढ़ा होगा, इसको टी के साथ लिखा जाता है, कैपिटल टी के साथ लिखा जाता है। और टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन अलोंग द सर्कुलर पाथ, कि एक चक्कर लगाने में, यहां से लेकर के एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लिया उसने उस पार्टिकल ने, इट इज कॉल्ड एज इट्स टाइम पीरियड एंड इट इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल टी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात आती है, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, आप फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ी होगी लीनियर फ्रीक्वेंसी, वही इधर भी होती है, और इसको लिखा जाता है न्यू के साथ, तो इसको एन यू करके कहूँगा, अगर आपको याद रखना पड़ जाए तो आप कहीं लिख करके रख सकते हैं कि इसको हमने न्यू बोलना है, ये स्मॉल एन है ग्रीक भाषा का। तो इस फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी कि द नंबर ऑफ द रेवोल्यूशंस मेड बाय दैट पार्टिकल इन द सर्कुलर पाथ इन वन सेकेंड
इज कॉल्ड एज इट्स फ्रीक्वेंसी, कि एक सेकंड में जितने चक्कर उसने लगाए इट इज कॉल्ड एज इट्स फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को न्यू के साथ लिखा जाता है। ऐसा यूनिट इसका हर्ट्ज होता है, और उसके बाद ये टाइम पीरियड के साथ इसका रिलेशन होता है कि न्यू इज इक्वल टू 1/T। इसको भी याद रखना, बहुत काम आने की चीज़ है, इसको बोलना नहीं, न्यू इज इक्वल टू 1/T। अच्छा जी, अब हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हमने पढ़ लिया, एंगुलर वेलोसिटी भी हमने पढ़ लिया। एंगुलर वेलोसिटी के बाद और क्या चीज़ आएगी? इसके बाद आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे अब क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, एंड सो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा के साथ लिखते हैं। और एंगुलर एक्सेलरेशन होती क्या है? इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए गिवन टाइम। उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एक पार्टिकल का है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड इट इज गिवन बाय अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ आएगा डी ओमेगा बाय डी टी। मैंने इसको यहाँ रख छोड़ा, आपको भूल लेने, जो आपने भूलना नहीं है, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बटे डी टी। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर। अब यहाँ इसका था रेडियन पर सेकेंड, वो तो इसका हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर। और इसका जो था डायमेंशन फार्मूला वो क्या हो जाएगा? एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू, क्योंकि सेकेंड ही तो चेंज हुए और तो कुछ चेंज हुआ नहीं, बाकी तो बिल सेम का सेम ही है। अब हम करते हैं इनके रिलेशंस की बात करते हैं। अब ये चीज़ें आपके बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम फिट करके रहनी चाहिए, भूलनी आपने नहीं है, इनको हम बार बार यूज़ करेंगे। वैसे तो ये चीज़ें आपने काफ़ी सारी कहीं अब पिछली क्लासों में पढ़ भी रखी होंगी, फिर भी हम रिवाइज कर देते हैं। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच का क्या रिलेशन है? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर वो लगाए पार्टिकल तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 2π radians फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो आ गई हमारी कितनी, जो है थीटा जो है, तो वो कितनी हो गई हमारी 2π, मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में 2π radians हुए। और टाइम क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा हमारे पास, टी दैट इज द टाइम पीरियड जितना हमने लगाया था कि पूरा चक्कर लगाने में वो किया। इसलिए एंगुलर वेलोसिटी हम जानते हैं किसके बराबर होती है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी होती है। तो यहाँ पर कितना आ गया? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू 2π है, और जो टी हमारे पास क्या आ गया, आ जाएगा अपना कैपिटल टी आ गया। अब ये भी हमने किया कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2π × 1/T, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π × 1/T। अभी हमने किया कि उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2π(ν). अब नेक्स्ट इसके बाद एक और है, वो है आपका रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का क्या संबंध होता है, क्या रिश्ता होता है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज दैट जैसा हमने यहाँ पर फिगर बना रखी है ऐसी ही फिगर ले लेंगे। हमने सपोज कर लिया एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर मोशन में वो मूव कर रहा है, एंड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इट वॉज एट पॉइंट पी, एंड आफ्टर अ टाइम स्मॉल टाइम दैट इज डी टी,
इट वॉज एट पॉइंट क्यू एंड इट हैड अंडरगॉन अ डिस्टेंस डी एस, ये डी एस डिस्टेंस कवर करके वो पहुंच गया क्यू पर, और एंगल उसने कितना बनाया, थीटा एंगल बना लिया है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कितना हो जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस। ओके, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी वो आ गई डी थीटा इज इक्वल टू डी एस डिवाइडेड बाय आर। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड इसको हम डिवाइड करेंगे डी टी के साथ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डी टी। इक्वेशन फर्स्ट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे याद रहे तो ऐसे भी अच्छी बात है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डी एस बटे डी टी इंटू आर, या आर इस तरह भी लिख सकता हूं, नो तो आर तो बटे के नीचे ही आना है, इंटू वन बाई आर कर देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ डी डी थीटा बाई डी टी करूँ डी एस बटे डी टी इंटू वन बाई आर लिख देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम जानते हैं कि डी थीटा बटे डी टी किसके बराबर होता है, ये तो ओमेगा के बराबर होता है, अब ये भी हमने पढ़ा था, और डी एस बटे डी टी किसके बराबर होता है, तो ये तो होता है वेलोसिटी के बराबर। तो यहाँ पर आप अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बट डी थीटा बटे डी टी इज इक्वल टू ओमेगा एंड डी एस बटे डी टी इज इक्वल टू वी, तो इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर। आर ऐसा भी कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो क्या होगा कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी एंड द रेडियस। उस रेडियस के बजाय अगर मैं रेडियस वेक्टर कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसको हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ जाए तो हम लिखते हैं वी इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, ऐसे लिख पाएंगे इसको हम, अगर हमको इसको रेडियस वेक्टर में लिखना पड़ जाएगा। तो इसकी वी की डायरेक्शन किधर होगी, इट विल बी अलोंग द टेंजेंट, इस सर्कल पे उस जगह पे जो टेंजेंट बनेगा वो इसकी डायरेक्शन होगी। एंड सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रिक्वेंसी। अब लास्ट इसका एक रिलेशन बढ़ता है, वो है एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या संबंध होता है, तो उसको हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट, हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, मैं इसको यहां से छोड़ देता हूं जहां से हमने चलना है। अच्छा जी, हम जानते हैं, आप लिखेंगे वी नो दैट वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, तो उसके बाद फिर वही करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी वी बटे डी टी इज इक्वल टू आर, तो चेंज होता नहीं, या इसको ऐसे ही लिख लो, एक बार लिख लेते हैं इसको, डी वाई डी टी ऑफ आर ओमेगा इज इक्वल टू आर बाहर आ जाएगा तो डी वाई डी टी ऑफ ओमेगा आ जाएगा। अब डी वी बटे डी टी हम जानते हैं, चलो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आप लिख लेते हैं यहाँ पर, बट वी नो दैट डी वी बटे डी टी इज इक्वल टू ए होता है, इट इज द लीनियर एक्सेलरेशन, एंड डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू एल्फा होता है, ये होती है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंड सो वी गेट, जैसा कर सकते हैं इक्वेशन नंबर अगर दिया आपको तो ये इक्वेशन नंबर लिख देते हैं, दिस इक्वेशन बिकम्स, तो ये आ गया ए इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा, ए इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा, दैट इज द लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेडियस वेक्टर एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ सिंपल रिलेशन थे जो आपके दिमाग में रहने चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम जब हम आपके साथ मिलेंगे तो इसका लास्ट जो हमारा सब टॉपिक है वो करेंगे, विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स,
and centripetal acceleration, I think it will be the last subtopic of this chapter. So, आपको रिमाइंड करने की हमने कोशिश की है कि जो आप पीछे से पढ़ करके आए थे छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको रिमाइंड हो जाएं. इनमें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा, लेकिन इवन देन फिर भी कोई अगर कोई ऐसी बात बीच में आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका पक्का जवाब देंगे. थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास. हैव ए नाइस डे. स्टे होम एंड स्टे सेफ.